फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास मोटो G24 पावर फोन है और उसमें आप इस तरीके का कोई डिवाइस लगाना चाहते हैं, यानी OTG केबल कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगा सकते हैं, क्या आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अभी ये फोन है हमारे पास और इसमें हम ये टाइप सी यहाँ पर लगता है, तो पहले आपको टाइप सी वाला कनेक्टर लेना है इस तरीके से, जिसमें पेन ड्राइव लग जाए, मेमोरी कार्ड लग जाए और यहाँ पर टाइप सी आगे होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर आपको लगा देना है। ये देखिए, हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक चीज लिख के दिखाई देगी। ये देखिए, तुरंत लिख के आ गया है कि आपका ये जो यहाँ पर हमने लगाया है ये कनेक्ट है, और यहाँ पर सेटिंग देख दिखाई दे रहा है, इजेक्ट दिख रहा है, एक्सप्लोर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको टैप करना है, बस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, विद फाइल्स या फिर गूगल वाले से, दोनों से आप खोल सकते हैं। तो यहाँ जस्ट वंस पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ आप देखेंगे जितने भी फोल्डर्स इसमें हैं वो सारे सारे यहाँ पर शो करने लगा है। अगर हम इसको निकालना चाहें तो देखिए, अभी निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सब गायब हो चुका है तुरंत, और यहाँ जो दिख रहा था वो भी यहाँ से हट चुका है। लगाने के तुरंत बाद ये आपको शो कर जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, 4-5 सेकंड रुकना है और 4-5 सेकंड के बाद ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आया था है। तो यहाँ पर कोई मेमो जो फोन है उसमें कोई आपको सेटिंग नहीं करनी है, कोई आपको अलाउ नहीं करना है किसी को, बस वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले फॉलो कर लीजिएगा।